तो दोस्तों मैं आपके साथ मनाली का व्लॉग लेके आ चुका हूँ। तो मैं आपको पूरा मनाली का टूर कराऊंगा। अगर आप समर में आते हैं तो यहाँ पे आपको स्नो देखने को मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है देखने को तो कहाँ पे मिलेगी। और वीडियो में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली दोस्तों हमने अपना होटल रूम चेक इन कर लिया है। जिस होटल पर हम रुके हैं वो भी आपको आगे बताएंगे वीडियो में। चलिए अपना होटल रूम का टूर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी हमें मिली है। तो ये है अपना 211 रूम नंबर। चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से है, जैसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डोर मिलेगा। जैसे ही हम वॉशरूम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको गीजर मिल जाएगा। यहाँ पे एक डोर दे रखा है, ये बालकनी से कनेक्टेड है। बाल्टी दे रखी है और मिरर लगा है। और चलिए आगे देख लेते हैं। अपना रूम यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए इस तरीके की सीनरी है। यहाँ पे एक लाइट लगी है ऊपर, और यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए रैक मिल जाता है। काफ़ी स्पेस है, आप स्पेशियस है, आप आराम से रख सकते हैं यहाँ पे सामान अपना, लगेज वगैरह आ जाएगा बढ़िया आराम से। और ये देखिए डीलक्स रूम है हमारा। तो ये हमारा डबल बेड, यहाँ पे एक लाइट है। और अगर व्यू की बात करें तो दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ आपको, आपको खुद ही वीडियो में दिख रहा होगा कितना प्यारा व्यू है। जो हमारा बेड से बैठ के ये जो लोकेशन है ना, आप देख सकते हैं नीचे आपको रिवर देखने को मिलेगी और सामने आपको ग्लेशियर, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। कितना प्यारा नज़ारा है, आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो पे। अभी बता रहे थे भैया कि 2 दिन पहले ही बर्फबारी हुई है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है ऊपर। और नीचे देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, नीचे देखिए रोड कितनी प्यारी लग रही है। तो मतलब रूम टूर की बात करें तो दोस्तों बहुत अच्छा रूम है, हमें बहुत ज़्यादा एक बार में ही पसंद आ गया। और यहाँ पे आपको एक टीवी देखने को मिल जाएगी। और एक अच्छी चीज़ इसमें क्या है, यहाँ पे एक बालकनी भी है जो आपके रूम से कनेक्टेड है। तो एक बार बालकनी देख लेते हैं। बालकनी जैसे ओपन करते देखिए बहुत ही बड़ी बालकनी भी, मतलब काफ़ी स्पेशियस है। और यहाँ से व्यू देखिए भाई, एक नंबर है ना, है कोई जवाब। तो दोस्तों देखिए बेड में लेट करके आपको सीधा पहाड़ दिखेंगे, कितना मस्त व्यू आता है यहाँ से, बिल्कुल लग्जरी फील आएगी आपको। तो ये होटल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। अगर आप हमारे थ्रू आएंगे तो आपको एक कुछ परसेंट डिस्काउंट भी देंगे, 5 से 10%। और अभी पीक सीजन है तो आप जब भी इधर आइएगा तो ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम 10 से 15 दिन पहले बुकिंग करके चले, वरना होटल फुल हो जाएगा, आपको ये वाला रूम नहीं मिल पाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी होटल आप बुक करें तो कम से कम 15 से 20 दिन पीक सीजन में लेके चले, वरना इतना अच्छा व्यू नहीं मिल पाएगा आपको फिर। सो फाइनली हम अपने डे 1 के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। सो आज हम करने वाले हैं कवर हडिम्बा टेम्पल, जोगनी फॉल्स और वशिष्ठ टेम्पल, और साथ में हम मॉल रोड कवर करने वाले हैं। और भी एक दो लोकेशन है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, जैसे वन विहार हो गया जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ है। तो ये सारा आज हम डे 1 में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा होटल जो हमने बुक किया है। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं अपने फर्स्ट लोकेशन के लिए। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले हडिम्बा टेम्पल। तो चलिए हडिम्बा टेम्पल के लिए अभी आप देख सकते हैं निकल चुके हैं। और यहाँ का मौसम, वेदर यहाँ का बहुत ही सुंदर है, आपको सामने देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं वाइट वाइट पहाड़ है। अभी कह रहे हैं कि 2 से 4 दिन पहले बर्फ़ गिरी है ना भैया? जी जी, 2 से 4 दिन पहले भैया बता रहे हैं बर्फ़ गिरी है यहाँ पे। तो ये क्या अपनी हमटा पास के, मतलब किस तरफ गिरी थी ये? सर जो पहाड़ के ना, अच्छा ये सारी तरफ ऊपर टॉप पे सारी जगह बर्फ़ गिरी है। तो जैसे कि आपको वीडियो पे दिख रहा है ऊपर, देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो सारा हम ये बर्फ़ भी दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। तो गाइस यही जो सामने रास्ता जा रहा है, यही जा रहा है अपना हडिम्बा टेम्पल के लिए। तो यहीं से अपने को हडिम्बा टेम्पल के लिए ऊपर जाना है। ये रहा सामने मंदिर, देखिए यहाँ पे आपको यार्क देखने को मिलेंगे, कितने बड़े बड़े भाई साहब, सीन देखो यहाँ के। देखिए सामने लिखा है अपना हडिम्बा टेम्पल, यहीं से रास्ता है, ऐसी छोटी छोटी गली है। आप जैसे ही हडिम्बा टेम्पल के लिए इधर आते हैं तो यहीं आपको जस्ट यहीं सामने आपको देखने को मिलेगा जिपलाइन प्लस माउंटेन बाइक, आप यहाँ कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए कार भी है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉट एयर बैलून भी है जो आप कर सकते हो, कितना मस्त है हॉट एयर बैलून।
और सच में पहाड़ों में हॉट एयर बैलून करने का तो मजा ही अलग है, एक नंबर मजा आता है। वाओ और भी बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए हॉर्स है, हॉर्स राइड कर सकते हैं। और ये देखिए ये है जिप लाइन, यहाँ पे आपको स्टॉल्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे और आप यहाँ से काजू बादाम भी ले सकते हैं, बच्चों के लिए टोपी वगैरह और मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। यहाँ रैबिट है, रैबिट को खिलाने के लिए भी आप ले सकते हैं कुछ ना कुछ, तो यहीं से अपने को ऊपर चढ़ना है। और यहाँ से हम चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर हडिम्बा टेम्पल के लिए, भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है, लेकिन नज़ारा देखिए भाई एक नंबर है। मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, जगह जगह आप और भी चीज़ें खा सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं चने वगैरह भेल वगैरह मिल रहा है और भुट्टा वगैरह भी आगे। भाई बहुत कुछ है यहाँ पे जो आप खरीद सकते हैं, हंड्रेड का भैया ये सारा प्राइस। हाँ कौन सा भी लो, कोई सभी ले, हंड्रेड का ही है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हडिम्बा टेम्पल, सामने अपना हडिम्बा टेम्पल। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लग रही है यहाँ पे, तो चलिए हम भी लाइन पे लगना होगा, लाइन पे लग जाते हैं। यहाँ पर आपको पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा। और ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं यहाँ पर आप फोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं अपने फैमिली बच्चों के साथ, जो एक तरीके से मेमोरी भी बन जाती है हमेशा के लिए कि आप मनाली आए थे। गाइस बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए हमारे हडिम्बा टेम्पल के, बहुत ही अच्छा मंदिर है। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था इसलिए कुछ दिखा नहीं पाए। यहाँ पे भी आप खड़े होके सेल्फी खिंचा सकते हैं, ये भी एक सेल्फी पॉइंट है। इस तरीके का व्यू आएगा बैकग्राउंड में, देख रहे हो इतने बड़े बड़े पेड़ है, इसका भी बैकग्राउंड आएगा। पर आपको एक और टेंपल देखने को मिलेगा जिसका नाम है वीर घाटोकच टेंपल, जो कि 50 मीटर की है यहाँ पे। चलिए यहीं चलते हैं देखते हैं। और यहाँ पे आपको जगह जगह पानी पीने के लिए ठंडा एकदम पानी मिलेगा। यहाँ पे आपको जगह जगह मार्केट भी देखने को मिलेगी, ऊन की आपको टोपी, बच्चों के लिए दस्ताने, मोजे वगैरह, कैप वगैरह देखने को मिलेगी, जो कि खुद ही अपने हाथों से बनाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए अपने हाथों से बनाते हैं सारे ऊनी पहाड़ी टोपियां दस्ताने, बच्चों के लिए भी मिलेंगे बड़ों के लिए भी मिलेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे मार्केट लगती है जिससे आप ले सकते हैं, यहाँ से भी शॉल स्वेटर वगैरह बड़ों के लिए बच्चों के लिए ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। Thank you.
यहाँ पे आप इस तरीके से फोटो भी खिंचवा सकते हैं, फोटोशूट कपड़े पहन करके। कपड़े ये लोग देते हैं, उसकी कॉस्ट बार्गेनिंग आप कर सकते हैं, 50 से 100 रुपये पर पर्सन देते हैं। अगर आप कपल लेते हैं तो आपको 100 से 150 पड़ जाएगा। तो इस तरीके से सब यहाँ पे कपल्स वगैरह फोटोशूट करवा रहे हैं। चलिए हम भी कपल शूट करवाते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स ये है एंट्री टिकट वन विहार की, यहाँ से आप एंट्री टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप बच्चे वगैरह अगर आपके साथ है तो यहाँ पे भी थोड़ा घूमने का है, पैदल वॉकिंग का, ट्रैकिंग का, और यहाँ पे झूले वगैरह भी है थोड़े बहुत बच्चों के लिए। हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम बहुत बिगड़ चुका है, अचानक से बारिश शुरू हो गई है। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जल्दी से अपने कैब की ओर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं जल्दी से अपने कैब की तरफ। तो भाई मौसम जैसे कि बिगड़ चुका है तो इसलिए हमने अभी भुट्टा लिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं हडिम्बा टेम्पल से, अभी हम आके अंदर कैब में बैठ चुके हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, पहाड़ों का ऐसा ही है, कोई नहीं बोल सकता कब बारिश होगी, कब कैसा भी मौसम आएगा यहाँ का। तो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है बाहर और ठंड सी बढ़ गई अचानक से। तो अब हम जा रहे हैं सेकेंड अपने डेस्टिनेशन पर जिसका नाम है क्लब हाउस। तो चलिए आगे मिलते हैं, आपको क्लब हाउस दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं क्लब हाउस मनाली के। तो यहाँ से इसकी एंट्री है, ये इस तरीके का कुछ क्लब हाउस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, स्नूकर पूल, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और भी कुछ गेम्स हैं। यहाँ पे गेट एंट्री है, एडल्ट की 25 और चाइल्ड की 10 रुपीज़ है। तो यहाँ से इसकी एंट्री क्लब हाउस की, चलिए चलते हैं अंदर आपको दिखा सकते हैं। ये चार गेम हैं जो हम यहाँ खेल सकते हैं, स्नूकर पूल 200 रुपये में पर घंटा, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और चेस। तो गाइस यहाँ पर आपको वुलन कपड़े ही मिलेंगे, स्वेटर, जैकेट। कैसा लग रहा है? और क्या कॉस्ट है? कॉस्टली है थोड़ा यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्राफ्ट गैलरी भी देखने को मिलेगी, काफी चीजें हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। काफी बड़ी मार्केट है यहाँ पे भी, काफी चीजें आपको यहाँ पे भी हैंडबैग मिल जाएंगे, हैंडमेड बने हुए हैं ये सारे, बहुत ही अच्छे हैं दिखने में। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट अंगूरी बार भी देखने को मिलेगा, सामने रेस्टोरेंट है विपाशा नेम से। ये अपना फूड मेन्यू सोलांग वैली का, जो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये था अपना सोलंग रेस्टोरेंट जो मैंने आपको मेन्यू दिखा दिया। तो ये है टेबल टेनिस कोर्ट, यहाँ पे आप इस तरीके से टेबल टेनिस खेल सकते हैं। तो चार गेम्स हैं इनके पास, बिलियार्ड, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और चेस। और अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो यहाँ पे ये आग लगा देते हैं। ये है पूल टेबल, ये है कॉन्फ्रेंस रूम और ऊपर बस इतना ही था। चलिए नीचे चलते हैं। तो हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे हमें करना है लंच। कहाँ आए हैं? हम एक रेस्टोरेंट पे आए हैं। क्या नाम है इसका? तो ये क्लब हाउस के अंदर ही आपका रेस्टोरेंट पड़ता है, तो हम इस रेस्टोरेंट में आके बैठे हैं। ये करने के बाद लंच, सोलांग रेस्टोरेंट इसका नाम है।
तो यहाँ पे आप हिमाचली थाली भी खा सकते हैं, हिमाचली थाली भी खा सकते हैं जिसका कॉस्ट 200 रुपीज़ है, जिसमें आपको 3 टाइप की सब्जी, दाल चावल रोटी मिलता है। और ये इसका मेन कोर्स है, देखिए ये मेन कोर्स है। प्राइस रीजनेबल है आपका, ये मेन कोर्स है जो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। पिज़्ज़ा वगैरह भी मिल जाएगा आपको। तो ये है इसका मेन कोर्स। रोटी की बात करें तो प्लेन रोटी और बटर रोटी है, इनके पास अभी नान नहीं है। तो हमने अभी प्लेन रोटी ऑर्डर करी और बटर पनीर मसाला ऑर्डर करा है, और वेट कर रहे हैं। देख सकते हैं बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, उसके बाद हम ये एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे मार्केट लगती है और बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे गेम्स भी, झूले भी होते हैं काफ़ी, इंडोर्स भी आउटडोर भी है। यहाँ हमारा लंच आ चुका है, हमने बटर पनीर मसाला मंगाया था और हमें ये प्लेन रोटी मिली है, तो अभी हम खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया, खाना तो बहुत टेस्टी था। क्लब हाउस मनाली को और एक्सप्लोर करते हैं, चलिए। अभी बारिश रुकी है, लेकिन ठंड की बात करें तो ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, पता नहीं कैसे घूमेंगे। इस तरीके के मार्केट है आप यहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं है अगर बात करें तो, यहाँ पे इस तरीके के मार्केट है, आप यहाँ से शॉल स्वेटर वगैरह खरीद सकते हैं। और बाकी आप इधर देख सकते हैं, इधर से ड्राई फ्रूट की दुकान है, ये भी ले सकते हैं। और एक दुकान और देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, अगर आप सफ़र करते हैं ना तो यहाँ पे वॉमिटिंग उल्टी रोकने के लिए भी यहाँ पे कुछ है इनके पास, चलिए देखते हैं क्या है। भैया वॉमिटिंग रोकने के लिए क्या चीज़ है? वॉमिटिंग के लिए भैया पीपल वुडी, ट्रैवलिंग में चक्कर आता है, जी मतलब आता है, उल्टी होता है। अच्छा, इसके लिए पीपल वुडी है। तो इससे आपका कहना है कि इससे उल्टी नहीं होती? इसके 2 पीस खाने के बाद 3 दिन में तो वॉमिटिंग की फीलिंग भी नहीं आएगी। अच्छा ऐसा है? 100% अच्छा, 100% पीपल वट्टी कड़वी होती है क्या? नहीं, कैसे खाना है इसको? खट्टा टेस्ट होएगा भैया इसके 2 पीस खाने में, 3 घंटे तक वॉमिटिंग की फीलिंग भी नहीं आएगी। खाने पे या ऐसा कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। इसको खिला जिसको टेस्ट करके देख लो, कोई ऐसी बात नहीं, देख लेना। छोटे लड़कों को इसे भी खिलाओगे ना, इसे टेस्ट कैसा है? टेस्ट अच्छा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं, वॉमिटिंग नहीं आएगी, जैसे भैया ने बताया है। मैंगो वगैरह, मैंगो स्लाइस, चिकोरी, आम, पपीता, अनार दाना, हेयर पेड़ा, काफी शहद, आंवला, नमकीन आंवला, मैंगो कैंडी वगैरह, बहुत फ्लेवर है। तो काफी आइटम है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी डाइजेशन के लिए हेड है, पेट गैस का, अदरक मिलेटी का, खराब हो, नाक बंद हो, सर्दी जुकाम। तो ये क्लब हाउस के सामने आपको ये रिवर जंपिंग भी कर सकते हैं, ये एक तरीके का 150 लेते हैं, ये वाली आप राइड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। देख रहे हैं कितने सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बारिश में भी कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है फ्लाई डाइनिंग, आपने देखा होगा ये दिल्ली में भी है, अपना नोएडा में और ऋषिकेश में भी है। इसमें क्या है, ये ऐसे जो आप टावर देख रहे हैं, ये ऐसे करके आपको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर हाइट में, उसमें क्या है आपको खाना ऊपर जाके खिलाते हैं, इतना बड़ा ऊपर है। और इसके देख सकते हैं वन आवर इन द स्काई, 160 फीट हाइट पे लेके जाएंगे और इस तरीके से खाना खिलाते हैं। तो ये भी एक तरीके का एडवेंचर होता है जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन के लिए, अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो गाइस हम आए हैं वन विहार, तो चलिए देखते हैं वन विहार अंदर का व्यू कैसा है, आपको दिखाते हैं। पहले तो टिकट प्राइस की बात करें तो इसमें एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन और चिल्ड्रन के लिए 20 रुपीज़ पर चिल्ड्रन, और बिलो 8 ईयर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। हाँ नहीं, 50 का। अचानक से बारिश होने के कारण हमें जल्दी से अपनी कैब में वापस आना पड़ा। वन वीआर के जस्ट सामने ही आपको मॉल रोड देखने को मिलता है, यहाँ का लोकल मार्केट कुछ इस तरीके की मार्केट होती है, जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट, कपड़ों की मार्केट और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। दोस्तों मौसम खुल चुका है, बारिश रुक चुकी है, अब हम जा रहे हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन जिसका नाम है वशिष्ठ टेम्पल। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन आज की, जिसका नाम है वशिष्ठ टेम्पल। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वशिष्ठ टेम्पल के लिए।
बारिश हो रही है तो रोड गीली है, और फैमिली के साथ ट्रैवल करना थोड़ा टफ हो जाता है बारिश में ऐसे इलाकों में, पहाड़ों में। तो ये है अपना वशिष्ठ टेम्पल, यहाँ से इसकी एंट्री है। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है तो आपको दिखा नहीं पाएंगे। हाँ, आप अपने जूते वगैरह उतार सकते हैं, यहाँ से आपको टोकन वगैरह मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं अंदर है अपना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है फ़ोन वगैरह आप अंदर नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक कुंड है, टेंपल के साथ साथ आपको अंदर एक कुंड देखने को मिलता है जहाँ पे हमेशा 12 महीने गर्म पानी रहता है। जेंट्स का इधर से है नहाने के लिए, और आप देख रहे हो यहाँ पे एकदम गर्म पानी, ये देखिए गर्म पानी निकल रहा है। आप हाथ धोते हैं, पहाड़ी लोगों को तो ये एकदम गर्म नहीं महसूस होगा, लेकिन हम लोगों को काफ़ी गर्म लगेगा कि हाथ जल जाएगा। चलिए चल के देखते हैं जेंट्स बाथ में लोग नहा रहे हैं। तो इस तरीके का गर्म पानी होता है, देख रहे हो। तो इस तरीके के कुंड में आप नहा सकते हैं, यहाँ पे वशिष्ठ टेंपल में एकदम गर्म पानी रहता है 12 महीने। यहाँ पे आपको ऊपर श्री राम टेम्पल भी देखने को मिलेगा। चलिए ऊपर चलते हैं। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है श्री राम जी का टेम्पल। अंदर फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है तो मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पे पहाड़ों पे। तो दो मंदिर बनाए गए हैं, और आपका यहाँ देखिए अभी अभी जस्ट बारिश हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे अभी जस्ट बारिश रुकी है, और सामने देखिए ग्लेशियर का व्यू है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, क्या ही बताएं। वीडियो में पता नहीं पूरा क्लियर दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको यहाँ का व्यू जो मैं दिखाऊँ तो बहुत ही प्यारा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के, सामने ग्लेशियर देखिए। भैया भी बता रहे थे हमारे क्या वाले कि ऊपर स्नोफॉल भी हो रही है, बहुत ही ठंडा है। सामने देखिए कितना प्यारा व्यू है, एकदम वाइट वाइट लग रहा है, देखिए ग्लेशियर कितना प्यारा व्यू है। अब बर्फ़ देखिए, ओ भाई साहब इतनी बर्फ़, अभी दो दिन पहले ही ये बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, स्नोफॉल वगैरह हुई है। देखिए मई में भी अगर आप आते हैं तो सही अच्छी खासी आपको ठंड और स्नो दोनों देखने को मिलेगी। अगर आप स्नो के शौकीन हैं तो मई में भी आ सकते हैं। और बाकी रोहतांग पास की अपडेट ये है कि 15 के बाद खुलने का चांसेस है, अभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट नहीं आया है। अभी जहाँ तक लोगों का कहना है 15 के बाद ही खुलेगा, और अगर बारिश वगैरह हो गई इसी तरीके तो अभी और टाइम लग सकता है।